नमस्कार, मैं पूजा कपूर और आप देख रहे हैं क्लाउन टेंस ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। काशी पत्रकार संघ के महामंत्री मनोज श्रीवास्तव ने गूंज उठी रणभेरी में शुरू की नौकरी। वरिष्ठ पत्रकार विश्वनाथ गोकर ने गूंज उठी रणभेरी से किया किनारा। काशी पत्रकार संघ के महामंत्री मनोज श्रीवास्तव ने गूंज उठी रणभेरी समाचार पत्र में नौकरी शुरू कर दिया है। वाराणसी के सांध्यकालीन समाचार पत्रों की फेहरिस्ट में टेबलाइट आकार के इस समाचार पत्र ने चंद महीनों में ही अपनी अलग पहचान बना लिया है। इसके पीछे आईनेक्स्ट के वरिष्ठ पत्रकार विश्वनाथ गोकर्ण की अहम भूमिका रही है, जिन्होंने पत्रकारिता में अपने 3 दशक से अधिक के अनुभव को पूरी तरह इस समाचार पत्र को सजाने और संवारने में लगाया है। यही कारण है कि सांध्यकालीन समाचार पत्र का स्वरूप आईनेक्स्ट जैसा है। इतना ही नहीं, श्री गोकर्ण के नाम से कई संपादकीय का प्रकाशित होना इस बात की गवाही है कि वे पर्दे के पीछे नहीं है, बल्कि उन्होंने बनारस के सांध्यकालीन समाचार पत्रों के सामने एक बड़ी लकीर खींच दिया है। बताते चले कि गूंज उठी रणभेरी समाचार पत्र की शुरुआत पहले राजमंदिर के सभासद अजीत सिंह ने साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में किया था, जिसे रियल स्टेट कारोबारी नूर एहसान ने सांध्यकालीन दैनिक के रूप में प्रकाशित करने की शुरुआत किया। यहां सबसे गौर करने वाली बात है कि समाचार पत्र प्रबंधन ने अपने सीमित संसाधनों से संस्थान में कार्यरत पत्रकारों व अन्य कर्मचारियों को मोटी तनख्वाह दे रहा है। अन्य समाचार पत्रों में जहां 4 से 5 हजार महीने देकर पत्रकारों का शोषण किया जा रहा है, वहीं गूंज उठी रणभेरी में अपनी सेवा देने वाले पत्रकार स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। तभी तो यह समाचार पत्र इतने कम समय में अपनी बेहतर साज सज्जा, खबरों को प्रकाशित करने के तरीके और विज्ञापनों के प्रबंधन में अग्रणी है। फिलहाल विश्वनाथ गोकर ने इस समाचार पत्र से किनारा कर लिया है। समाचार पत्र की बढ़ती लोकप्रियता ने भी शायद काशी पत्रकार संघ के महामंत्री मनोज कुमार श्रीवास्तव को अपनी ओर खींच लाया और उन्होंने यहां अपनी सेवाएं देना शुरू कर दिया। काशी पत्रकार संघ के चुनाव में श्री मनोज ने जब महामंत्री का पर्चा भरा तो वे एक क्रांतिकारी पत्रकार के रूप में उभरे थे, जिसका परिणाम रहा है कि अपने विरोधियों को बुरी तरह हरा कर भारी अंतर से संघ के महामंत्री चुने गए। श्री मनोज सहारा समाचार पत्र में रहते हुए अपने नौकरी की परवाह किए बिना समाचार पत्र कर्मचारी यूनियन के मंत्री अजय मुखर्जी के साथ मजीठिया वेतन वेज की लड़ाई शुरू किया, जो आज भी जारी है। आज उनकी छवि पत्रकारों के बीच हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने वाले पत्रकार साथी के रूप में है। अब इनके गूंज उठी रणभेरी में आने से अपराध से जुड़ी खबरों का अलग तेवर देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर पत्रकार साथियों के लिए पत्रकार हितों की लड़ाई लड़ने से जरूरी है कलम के सच्चे सिपाही बने और अपनी रोजी रोटी के लिए किसी भी समाचार पत्र में नौकरी करे। मनोज के लिए गूंज उठी रणभेरी डूबते को तिनके का सहारा जैसा साबित होगा। भले ही बड़े समाचार पत्रों की तुलना में इसकी अभी कोई बिसात नहीं है, प्रसार की बात करें तो प्रतिदिन लगभग 3,000 प्रतियों के दम पर अन्य सांध्यकालीन समाचार पत्रों के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए संघर्षरत है यह अखबार। फिर भी आने वाले दिनों में यदि इसका सफर जारी रहा तो वह दिन दूर नहीं है जब काशी वार्ता व गांडीव जैसे अखबारों को कड़ी टक्कर देगा। रियल स्टेट कारोबारी नूर एहसान के लिए समाचार पत्र का मालिक होकर उनका उद्देश्य धन कमाना नहीं है, बल्कि पत्रकारिता के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने की सोच है। क्लाउन टेंस ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।